खबर कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके से है, जहां पुलिस ने पानी की टंकी से एक मासूम बच्ची का शव बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बच्ची के गुमशुदगी की सूचना मिली और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची की तलाशी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने छत पर रखी पानी की टंकी में देखा तो शव टंकी में तैरता हुआ दिखाई दिया। वहीं जब शव को बाहर निकाला गया तो बच्ची के गले में एक फांसी से फंदा भी लगा था। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका के मां और पिता के बीच दहेज को लेकर लगातार कुछ समय से झगड़ा चल रहा था। ऐसे में पुलिस को शक है कि यह हत्या घर के ही किसी सदस्य ने की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच करने में जुटी है। 3 बजे करीब ये सूचना मिली कि पुरानी रेलवे कॉलोनी क्वार्टर नंबर 169B से 6 और 7 वर्षीय बालिका कुमारी गुनगुन घर से मिसिंग है। इस इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश की। काफ़ी तलाश करने के उपरांत उसी मकान की छत के ऊपर रखी पानी की टंकी में तलाश किया तो उसमें बच्ची की डेड बॉडी तैरती मिली। जिसे निकाला तो उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला गला घोट कर पानी की टंकी में डुबोने का सामने आया है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम हेतु MBS मोर्चरी में रखवाया है।